हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे वीडियो को स्कूल कितने अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो में कुछ नया समझ में आया तो आप कमेंट में लिख देना, मैं खुद जवाब दे दूंगा। और फ्रेंड्स, हम वीडियो को थोड़ा फास्ट मोशन में रखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती हो जाएगी नहीं फ्रेंड। तो चलिए थोड़ा फास्ट मोशन में कर दूंगा मैं वीडियो को। फ्रेंड, इन सब चीज़ों का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, आई बटन में आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ ये हमने कूलर कैसे बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है हनुमान, एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज किस मैंने बनाएंगे हम एक 12 वोल्ट का कूलर बनाने के लिए हमें बॉक्स लगाएंगे। बॉक्स में 40 रुपये का पड़ा है, मैं आपको अंदर से खोलकर दिखाता हूँ। किराना की दुकान पर आपको मिल जाएगा, देखिए अंदर से। और कूलर बनाने के लिए हमें इसे आगे से काटना होगा यहाँ से, और इतना ही हम पीछे से इसको काटेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोपेलर आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल जाएगी, और हम मार्कर से ये मार्किंग कर लेंगे यहाँ से पूरे इस पर, और पीछे की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। और इस बॉक्स को काटने के लिए हम यार का पता लेंगे, यार का पता मुझे लोहे की दुकान पर, लोहे की शॉप पर 10 रुपये का मिला है, आप देख लेना आपको कितने का मिलेगा। और पार्ट काटने के स्किप कर दो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखिए हमने काटा, और देखिए कच्चा है। और फ्रेंड्स, से बहुत सावधान से काटना, और आप सोच रहे होंगे दूसरी तरफ हमने निशान क्यों लगाया, यहाँ पर हम एक कूलिंग पैड लगाएंगे, इसे भी ऐसा हम काट लेंगे। चलो चलो, देख फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसे काट कर। तो फ्रेंड्स, ये हमने दोनों तरफ से काट लिया है, और एक तरफ इसमें कूलिंग पैड लगेगा और दूसरी तरफ फैन। अब मैं आपको दिखाता हूँ फैन कैसे लगेगा। ये हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, उसमें यहाँ 6 छेद कर लिया है यहाँ पर हम। तो फ्रेंड्स, ये हमने लकड़ी का इसके अंदर देख लेना पूरा पूरी तरीके से नाप करके। ये फ्रेंड्स देखिए, ये इसके यहाँ नाप करके इतना ही टुकड़ा काट लिया लकड़ी का, जो इसमें फिट आए। और फ्रेंड्स, ये हमने मोटर पर देखभाल कर यहाँ घिस दिया था बहुत देर तरफ। तो ये ऐसा करके यहाँ इनसे जिप टाई से हम लगा लेंगे इनसे जिप टाई। फ्रेंड्स, ये अब हम इसमें जिप टाई लगा रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ फ्रेंड्स हम मोटर लगा देंगे, अब मैं आपको मोटर लगा कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 12 वोल्ट का डीसी मोटर है, ये मैंने ऑफलाइन 150 रुपये का परचेज किया है 12 वोल्ट डीसी मोटर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी मजबूती से चिपका वो चिपटाई से कस दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको कैन के अंदर फिट करेंगे। फ्रेंड, मैं आपको पेंच कसकर दिखाता हूँ उसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये तीन पेंच दोनों तरफा कस दिए हैं, और आप अंदर से देख सकते हैं, और आगे से देखिए फ्रेंड्स, आगे से देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरी तरीके से, और पूरी मजबूती से कर दिया। मैं आपको पंखड़ी लगाकर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये पंखड़ी है, मैं इसमें आपको लगाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मैंने इसमें पंखड़ी लगा दिया है, देख फ्रेंड पूरी मजबूती से। फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी पंखड़ी इसमें बड़ी आ रही थी, मैंने काट कर शेप बना दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं कूलिंग पैड लिया हूँ, ये 40 रुपये का मुझे बड़ा पीस मिला था, मैंने इसे काट लिया है, उसके छोटा साइज कर लिया है, जो हमारे इस बॉक्स में पीछे की तरफ फिट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम देखिए इसको ऐसा फिट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इसे अंदर से ऐसे फिट कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम इसको चिपकाने के लिए एक हम सिल्वर का पाइप लेकर आए थे, इसमें मैंने जगह जगह पर छेद कर लिया है, और इसमें से पानी निकलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं फिट कर आपको दिखाता हूँ। फिट कर देंगे, ये कूलिंग पैड मैंने 20 रुपये का पड़ा है, आधा पीस मैंने काट के रख दिया है, और 40 रुपये का फुल पीस पड़ा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एलपीसी से चिपका कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास फैमिक हुई है, आप ग्लूगन या और चीज़ों से चिपका देना। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये चिपका रहा हूँ। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसके देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने एलपी के द्वारा चिपका दिया है। और आपको फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मोटी लग रही है, ये जब इसमें पानी पड़ेगा तो ये खुद ही खुद पतली होती चली जाएगी, जितनी ये गीली होती चली जाएगी, और हमें कूलिंग हवा देगी, इस वजह से हम इसको कूलिंग पैड कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने जब एलपी से चिपकाया था, थोड़ा सा ढीला सा आ रहा था, मैंने तार से इसको कस लिया है, और अब हम ऐसे इसको डालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, और यहाँ से कर हम आगे से अंदर की तरफ कर लेंगे, और इसे फैमिक के द्वारा चिपका लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, देखिए फैमिक हम इसको मजबूती से चिपका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एलपी के द्वारा इसको चिपका दिया है, और फ्रेंड्स हम पाँच छः सेकंड में चिपक जाएगी। और फ्रेंड्स चलिए, मैं आपको चिपका कर दिखाता हूँ इसको। देखिए, मैं इसे एलपी के द्वारा चिपका रहा था, पर ये एलपी से नहीं चिपका, तो मैंने इसमें एमसी लगा दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड, इससे हाथ भी मेरे काले पड़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो हम रात को 12 बजे शूट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब। इस वाटर पंप की हमने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर मैं काई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये रही मेरे वीडियो का फोटो, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें 5 रुपये का अलग से पाइप लगा दिया था, मुझे 5 रुपये मिला है, आप देख सकते हैं, आपको फ्री में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके पानी उठाकर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये पानी को कितने पावरफुल तरीके से निकाल रहा है, ये हमारे छोटे कूलर के लिए बहुत अच्छा है। देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, कितने अच्छे तरीके से फेंक रहा है, ये हमारे छोटे कूलर के लिए बहुत अच्छा है, इसको हम आपको कूलर में फिट कर दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, ये मैंने वाटर पंप को ये लकड़ी के नीचे फिट कर दिया है, जिससे इसमें कोई पानी ना घुस पाए, नहीं हमारे वाटर पंप का जो मोटर है वो खराब हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये मैंने एलपी के द्वारा पूरी मजबूती से चिपका दिया था, इस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया।
है ये आप भी चिपका सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पार्ट स्किप कर दिया है और अब जो हमने ये प्लास्टिक का पाइप आपको चिपका कर दिखाऊंगा, ये फ्रेंड्स देखिए हम इसे ऊपर की तरफ ले आए हैं और जो हमने ये एल्युमिनियम के पाइप में होल किया था इस पाइप को हम प्लास्टिक के पाइप को इसमें फिट करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए अब हम आपको इसमें फिट कर दिखाएंगे, देख सकते हैं फ्रेंड आप, ये हमने फिट कर दिया और अब हम इसको एलपी से आपको चिपका कर दिखाएंगे। आपके पास अगर एलपी नहीं है तो आप ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं और किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं, मेरे पास फिलहाल यही थे तो मैं इसे ही चिपका रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने दोनों चीज़ को चिपका दिया और नीचे भी एलपी के द्वारा चिपका दिया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये देखिए ये मैंने चिपका दिया है। और अगर वाटर पंप को कहीं और आपका दिमाग लगाने का तो आप लगा सकते हैं, ये नहीं कि जो हनुभाई ने करा है वही आप करेंगे, अपना भी थोड़ा बहुत माइंड लगाइए और कहीं भी आप लगा सकते हैं, मुझे पता है आप बहुत क्रिएटिव आदमी है। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, प्लीज़ सपोर्टेड मी। पहले फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने कौन सी चटकनी लगाई है, चटकनी मुझे 5 रुपए की पड़ी है, देख सकते हैं फ्रेंड ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर मिल जाएगी। मैंने मुझे वो वाली स्विच नहीं मिला था जो एक से ही दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा, मैंने मार्किंग पहले ही कर लिया और मैं आपको ये काट कर दिखाऊंगा, काटने का पार्ट में स्किप कर दूँगा फ्रेंड्स वीडियो बहुत। फ्रेंड्स ये कट चुके हैं देखिए और अब हम आपको इसमें स्विच सेट करके दिखाएंगे, हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारी दोनों चटकनी लग चुकी है, फैन की और एक पंप की, ये थोड़ी सी जगह में फालतू पड़ गई थी। और फ्रेंड्स इसके वायरिंग मैं आपको कर दिखाता हूँ, चलिए फ्रेंड मैं इसका पार्ट स्किप देख सकते हैं आप, मैंने इसकी वायरिंग कर दिया और वायरिंग दिखाते टाइम बहुत दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैंने वायरिंग का पार्ट स्किप कर दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ वायरिंग बहुत आसान है, आप कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स ये स्विच की वायरिंग और मैं वायरिंग का आपको डायग्राम दे दूंगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने कूलर की जाली बना दिया, ये हमने झाड़ू की जो सीख होती है उनसे बनाई है, देख सकते हैं आप, मैं आपको अभी इसे चलाकर दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसे चलाकर दिखाऊंगा, चलाने के लिए हम इसके अंदर अब पानी डालेंगे। देखिए फ्रेंड मैं आप इसको पानी डालकर दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसमें पानी को डाल रहा हूँ और यहाँ से ही हम पानी को निकाल भी लेंगे। देखिए फ्रेंड ये पानी डालने का पार्ट स्किप कर दो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ्रेंड मैंने इसमें पानी डाल दिया, मैं आपको जूम करके दिखा दूँगा, देखिए फ्रेंड पानी डाल चुका है इसमें, मैं आपको इसे चलाकर दिखाऊंगा। लाने के लिए हमें बैटरी लाने के लिए मेरी 12 वोल्ट की बैटरी है 4 एम्पीयर की, इसमें हम प्लस को प्लस लगा देंगे और माइनस को माइनस का पार्ट में इसकी पर्सन। चलिए फ्रेंड मैं आपको वायर लगाकर दिखा देंगे, वायर मैंने लगा दिया, हम आपको इसे चलाकर दिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स देखिए हमने पहले फैन ऑन कराया और हम इसका वाटर मोटर ऑन करेंगे। ये फ्रेंड हमने वाटर मोटर ऑन कर दिया, हम आपको इसे ऊपर से दिखाऊंगा जहाँ से पानी निकाल रहा है। ये फैन पहले देखिए कितनी बढ़िया वाली रहा है, आपको बता नहीं सकता, बहुत अच्छी वाली रहा है। ये फैन ऊपर दिखाऊंगा, देखिए फैन अच्छे तरीके से पानी फेंक रहा है हमारे चारों तरफ, हमने दोबारा बंद कर दिया, हमने दोबारा आपको दिखाऊंगा कि फैन दोबारा ऑन कर दिया, चारों तरफ पानी बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहा है, दोबारा ऑन कर दिया आपको। तो एक बार और मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और देखिए ये हमने फैन ले लिया है, पहले हमने फैन ऑन करा, आपको वाटर मोटर ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड देख सकते हैं कागज को कितने अच्छे तरीके से उड़ा रहा है, देखिए फ्रेंड कागज को कितने अच्छे तरीके से फैन उड़ा रहा है। देखिए फ्रेंड दिनों नहीं कि 2-3 सेकंड चलेगा, बहुत देर तक चलता रहेगा ये, खुद मैंने 2-3 घंटे तक दिखाई है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पीछे से कितने अच्छे तरीके से पानी को निकाल रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, देखिए कितने अच्छे तरीके से पानी को निकाल रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, थोड़ा बहुत पानी बाहर को दे रहा है। आई होप वीडियो अच्छा बहुत अच्छी लगी और वीडियो को लाइक करें।